धर्म महासभा में। सोमवार 11 सितंबर 1893 को विशाल कोलंबस हॉल में महासभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। वहां पर 120 करोड़ मानवों के धार्मिक विश्वासों के प्रतिनिधि विराजमान थे। पश्चिमी गोलार्ध के रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्माचार्य कार्डिनल गिबन्स बीच में बैठे हुए थे। उनके दाहिने और बाईं ओर प्राच्य प्रतिनिधिगण आसीन थे। बंगाल से प्रताप चंद्र मजुमदार और बंबई से नगरकर ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि होकर आए थे। धर्मपाल लंका के बौद्धों के प्रतिनिधि थे। गांधी महात्मा गांधी के एक दूर के संबंधी जैनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और श्रीमती एनी बेसेंट के साथ श्री चक्रवर्ती थियोसॉफी के प्रतिनिधि बनकर आए थे। उनके बीच स्वामी विवेकानंद भी विराजमान थे। उनका उदात्त व्यक्तित्व, तेजोदीप्त मुखमंडल और भव्य वेश वहां इकट्ठे हुए सहस्र सहस्र लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये पहला अवसर था जब वे इतनी विशाल सभा के सामने बोलने वाले थे। प्रतिनिधियों को एक के बाद एक प्रस्तुत किया जाता और वे जनता के सामने अपने आगमन की घोषणा करते हुए संक्षिप्त भाषण प्रदान करते। पर स्वामी जी बारंबार अपनी पारी को जाने देते, यहां तक कि उस दिन की कार्यवाही लगभग समाप्त होने को आ गई। अंत में अपराहन जब बीतने लगा, तब अध्यक्ष के जोर देने पर स्वामी जी उठे। उनका मुखमंडल अग्नि के समान दमक रहा था। उनकी आंखों ने विहंगम रूप से अपने सामने के विशाल श्रोता वर्ग को देखा। जब उनके होंठ हिले तो उनकी वाणी में मानो आग की लपट थी। अपना भाषण प्रारंभ करते हुए वे मुश्किल से संबोधन के ये शब्द, अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों, कह ही पाए थे कि शत शत लोग तालियों की कर्ण भेदी गड़गड़ाहट करते हुए उछलकर खड़े हो गए। स्वामी जी की प्रशंसा करने के लिए सारी धर्म महासभा मानो पागल हो गई। पूरे 2 मिनट तक उन्होंने बोलने का प्रयास किया, पर उनके इस उल्लेखनीय संबोधन से हर्ष उत्साह की जो प्रबल लहर उठी, उसने उन्हें बोलने न दिया। निश्चय ही वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म महासभा की औपचारिकता का त्याग कर श्रोताओं के सामने एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू किया जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। जब लोग चुप हुए तो स्वामी जी ने विश्व के उस सबसे युवा राष्ट्र का, संसार के सबसे प्राचीन संघ, वैदिक सन्यासियों की ओर से अभिनंदन किया और हिंदू धर्म को समस्त धर्मों की जननी के रूप में उपस्थित किया। एक ऐसे धर्म के रूप में जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी थी। उन्होंने हिंदू शास्त्रों में से 2 बड़े सुंदर श्लोकों का उद्धरण किया। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभो, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थिततैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसे प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। यद्यपि ये एक छोटा सा ही व्याख्यान था, पर उसकी सार्वजनीनता, उसकी मौलिक तत्परता और उदारता ने सारे श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। जो अन्य भारतीय प्रतिनिधि थे, वे किसी न किसी समुदाय या समाज या पंथ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पर स्वामी जी किसी संप्रदाय के न होकर मानो समग्र भारत के प्रवक्ता थे। उन्होंने धार्मिक सत्यों की सार्वजनीनता और समस्त धार्मिक अनुभूतियों के लक्ष्य की एकता की ही घोषणा की। धर्म महासभा में विभिन्न सत्रों में उन्होंने जो ज्ञानपूर्ण भाषण दिए, उनमें उन्होंने विद्वान श्रोताओं के समक्ष उस वेदांत के सत्यों को रखा जो मानव जाति का सार्वभौमिक धर्म होने वाला था। उन्होंने कहा,
यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है तो वह किसी देश या काल से सीमाबद्ध नहीं होगा। वह उस असीम ईश्वर के सदृश ही असीम होगा जिसका वह उपदेश देगा, जिसका सूर्य, कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, संतों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाश विकीर्ण करेगा। जो न ब्राह्मण होगा, न बौद्ध, न ईसाई और न इस्लाम, वरन इन सब की समष्टि होगा, किंतु फिर भी जिसके विकास के लिए अनंत अवकाश होगा, जो इतना उदार होगा कि पशुओं के स्तर से किंचित उन्नत निम्नतम घृणित जंगली मनुष्य से लेकर अपने हृदय और मस्तिष्क के गुणों के कारण मानवता से ऊपर उठ गए उच्चतम मनुष्य तक को स्थान दे सकेगा। वह ऐसा धर्म होगा जिसकी नीति में उत्पीड़न या असहिष्णुता का स्थान नहीं होगा। वह प्रत्येक स्त्री और पुरुष में दिव्यता को स्वीकार करेगा और उसका संपूर्ण बल और सामर्थ्य मानवता को अपनी सच्ची दिव्य प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में केंद्रित होगा। आप ऐसा धर्म सामने रखिए और सारे राष्ट्र आपके अनुयायी बन जाएंगे। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है, न कि हिंदू या बौद्ध को ईसाई ही, पर हां, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात कर पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। उपसंहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष यह प्रदर्शित किया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ और अतिशय उन्नत चरित्र स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएं और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा, तो वह दया का पात्र है और उसे बतला दिया जाना चाहिए कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा होगा, सहायता करो, लड़ो मत, पर भाव ग्रहण न कि पर भाव विनाश, समन्वय और शांति न कि मतभेद और कलह। इन शक्ति संपन्न शब्दों का बड़ा ही प्रबल प्रभाव पड़ा। धर्म महासभा के मान्य प्रतिनिधियों के समक्ष ही ये शब्द बृहत्तर जनता को संबोधित किए गए थे और स्वामी विवेकानंद तत्क्षण सबसे महत्वपूर्ण पुरुष बन गए। अमेरिका के समाचार पत्र उनकी प्रशंसा से भरे होते। नगर के सर्वाधिक प्रसारित और सबसे अधिक अनुदार अखबारों ने उन्हें मसीहा और ऋषि के रूप में घोषित किया। द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उनके संबंध में लिखा, वे निसंदेह धर्म महासभा में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और ये भी कि उनको सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ज्ञानी देश में मिशनरियों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। स्वामी जी की इस अभूतपूर्व सफलता के समाचार शीघ्र ही भारत में फैल गए। मद्रास से अल्मोड़ा और कलकत्ता से बंबई तक सारे भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं धर्म महासभा में उनकी सफलता पर अमरीकी संवादों से भरे होते। जब वराहनगर मठ में रामकृष्ण संघ के सन्यासियों को विदित हुआ कि उनके प्राण प्रिय नेता ने सारे नए संसार को तूफान की तरह मत दिया है, तो उनके आनंद की सीमा न रही। कलकत्ता के नागरिकों ने वहां के टाउन हॉल में स्वामी विवेकानंद एवं अमरीका की जनता को धन्यवाद देने हेतु एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। हिंदुस्तान में सब जगह विवेकानंद नाम गूंज उठा। सर्वत्र ही उन्हें इस रूप में स्वीकार किया गया कि वे एक महान प्रयोजन की सिद्धि के लिए आए हैं। इस प्रकार एक दिन का अज्ञात और अनिर्बंध सन्यासी आज विश्व प्रसिद्ध युग पुरुष बन गए। पर अपनी प्रतिभा के ऐसे प्राकट्य के बीच विश्व की प्रशंसा और अतुलनीय ख्याति प्राप्त करने के बावजूद स्वामी जी भारत के पद दलित लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाए। उनकी सफलता के ही दिन उन्हें एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति निमंत्रित कर अपने घर ले गए और उन्हें शाही सम्मान के साथ अकल्पनीय ऐश्वर्य से सज्जित कमरे में ठहराया। ऐसे भव्य वातावरण में
सुख का अनुभव करने के बदले स्वामी जी दुखी हो गए। रात भर वे भारत की ही दुर्दशा का विचार करते रहे और एक पल के लिए भी उनके पलकें न लगीं। आरामदेह गद्दी उनके लिए कांटों की सेज बन गई। वे फर्श पर लौटते हुए अपने हृदय की पीड़ा में रो रो कर कहने लगे, मां, जब मेरी मातृभूमि जघन्य दरिद्रता में डूबी हुई है तो मैं नाम यश लेकर क्या करूंगा? कौन भारत की जनता को उठाएगा? कौन उन्हें रोटी देगा? मां, मुझे बताओ, मैं कैसे उन्हें सहायता दे सकता हूं? उन्होंने भारत में अपने शिष्यों और प्रशंसकों को प्रेरक पत्रों के द्वारा देश के लिए कार्य करने हेतु उत्साहित किया। उन पत्रों में देशभक्ति की आग होती। एक समय उन्होंने लिखा, मेरे बच्चों, कमर कस लो, ईश्वर ने मुझे इसी के लिए बुलाया है। मेरी सारी आशा तुम लोगों पर है, तुम जो विनीत, निराभिमानी और विश्वास परायण हो। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर की सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। हृदय का रक्त बहाते हुए मैं आधी पृथ्वी का चक्कर लगाकर इस अजनबी देश में सहायता मांगने आया हूं। भगवान मेरी सहायता करेंगे। मैं इस देश में भूख से या जाड़े से भले ही मर जाऊं, परंतु युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपन से प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूं। जाओ, इसी क्षण जाओ पार्थ सारथी के मंदिर में और जाकर साष्टांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबलि दो, अपने समस्त जीवन की बलि दो। उन 30 करोड़ लोगों के लिए जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं, प्रभु की जय हो, हम अवश्य सफल होंगे। इस संग्राम में सैकड़ों खेत रहेंगे, पर सैकड़ों पुनः उसकी जगह खड़े हो जाएंगे। जीवन तुच्छ है, मरण भी तुच्छ है। जय हो प्रभु की। आगे कूच करो, प्रभु ही हमारे सेना नायक हैं। पीछे मत देखो, कौन गिरा यह देखने को पीछे मत ताको, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। इस प्रकार स्वामी जी ऐश्वर्य के प्राचुर्य के बीच भी अपने ध्येय को नहीं भूले। उनका ध्येय था अपने देश भाइयों को बचाना और सारे विश्व का ध्यान अपने कार्य की ओर आकर्षित करना, जिससे संसार के लोग उनकी अपील के प्रसारण में सहायक हों। जब तक कि उनका कार्य लोगों का कार्य, सारे संसार के निर्धनों और उत्पीड़ितों का कार्य न बन जाए। अपनी मातृभूमि की सेवा करने के उद्देश्य से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का दौरा करने के लिए एक लेक्चर ब्यूरो का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अमेरिका में धर्माचार्य के रूप में अपने इस दौरे के दौरान वे भारत की महिमा के गीत गाने लगे और भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की महानता का बखान करने लगे। स्वामी जी ने देखा कि लेक्चर ब्यूरो उनके साथ छल कपट कर रहा है, अतः उन्होंने अमेरिकन लेक्चरिंग कंपनियों से अपने को मुक्त कर लिया। 1894 ईस्वी के शीतकाल के प्रारंभ में वे अमेरिका के विभिन्न विद्यापीठों एवं सांस्कृतिक केंद्रों का तूफानी दौरा कर न्यूयॉर्क वापस आए। इस प्रख्यात नगर में इससे पहले उनका जो एक दो बार आगमन हुआ था, वह संयोग मात्र था। वहां तब उन्होंने इन्हें गिने ही सार्वजनिक व्याख्यान दिए थे, पर उन्हें कोई रचनात्मक कार्य प्रारंभ करने का अवसर नहीं मिला था। अब वहां नियमित रूप से कार्य शुरू करने की दृष्टि से स्वामी जी ने तुरंत ब्रुकलिन एथिकल एसोसिएशन का एक व्याख्यान माला देने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। इन व्याख्यानों ने वांछित प्रभाव उत्पन्न किया और अमरीका में व्यवस्थित रूप से कार्य प्रारंभ करने की एक नई दिशा खोल दी। उन्हें शीघ्र ही ऐसे जिज्ञासुओं का एक दल प्राप्त हो गया जो आध्यात्मिक प्रकाश के लिए गंभीरता पूर्वक स्वामी जी का मार्गदर्शन चाहता था। स्वामी जी भी अपना सारा समय संभाषणों और व्याख्यानों के द्वारा शिक्षा देने में लगाने लगे और प्रतिदिन इस दल के तत्पर जिज्ञासियों को राजयोग एवं ज्ञान योग, इन दोनों मार्गों का अभ्यास कराने लगे। उनके इस समय के व्याख्यान गंभीरतम दार्शनिक अंतर्दृष्टि से भरे होते, जिनमें भक्ति का भी असाधारण प्राकट्य होता। इन व्याख्यानों ने यह दर्शाया कि स्वामी जी में वस्तुतः ज्ञानी और भक्त का अपूर्व समावेश है।
वे एक ही आधार में प्रबुद्ध संत और सच्चे भावुक योगी हैं। इस समय जो उनके उत्साही अनुयायी थे उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं, श्रीमती ओली बुल, डॉक्टर एलन डे, कुमारी एस ई वॉल्डो, प्रोफेसर वाइमन, प्रोफेसर राइट, डॉक्टर स्ट्रीट तथा अन्य कई गणमान्य जन एवं बहुत से पादरी भी। न्यूयॉर्क समाज के प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित नागरिक फ्रांसिस लेगेट दंपति एवं कुमारी मैक्लाउड स्वामी जी के अत्यंत घनिष्ठ मित्र बन गए। जून 1895 तक स्वामी जी ने अपने यथार्थ रचनात्मक कार्यों को ठोस बुनियाद दे दी थी और उन्होंने राजयोग पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक के लिखने का कार्य भी संपन्न कर लिया था। स्वामी जी बोलते गए और कुमारी एस ई वॉल्डो, जो बाद में भगिनी हरिदासी के नाम से परिचित हुई, लिखती गईं। उनकी इस पुस्तक ने जल्दी ही विलियम जेम्स जैसे अमरीकी मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वामी जी को अपने धनी एवं प्रतिष्ठित अनुयायियों से भी निरंतर विविध प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा था और उन्हें जो भी अर्थ प्राप्त होता वे उनके कार्य को और भी मजबूत करने की दिशा में खर्च होता। समूचे वर्ष भर स्वामी जी को प्रचंड कार्य करना पड़ा, उन्हें घोर व्यस्तता से गुजरना पड़ा। निजी एवं सार्वजनिक तौर पर उनके भाषण लगे ही रहते और इस प्रकार कार्याधिक्य के कारण वे हमेशा एक तनाव की स्थिति में रहते, अतः उनका अपने को थका सा महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक था। पर स्वामी जी को यह संतोष था कि सनातन धर्म के आदर्श अमरीका के समूचे वैचारिक जगत में फैलते और भिदते जा रहे हैं। बहुधा व्यासपीठों एवं धर्मवेदियों से इन आदर्शों की गूंज सुनाई देती, भले ही इसका श्रेय स्वामी जी को न प्राप्त होता रहा हो। अनवरत कक्षाओं और सार्वजनिक भाषणों के कार्य से स्वामी जी इतने अधिक थक गए थे कि वे अब एक शांतिपूर्ण स्थान में जाने के लिए आतुर थे, जहां वे अपने थके स्नायुओं को थोड़ा विश्राम दे पाते तथा भावी कार्य के लिए युवा मस्तिष्कों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी चला पाते। यह समस्या अपने आप ही हल हो गई। उनकी एक शिष्या कुमारी डचर का थाउजेंड आइलैंड पार्क में एक बढ़िया निवास स्थान था। यह पार्क सेंट लॉरेंस नदी में सबसे बड़ा द्वीप था। कुमारी डचर ने स्वामी जी को वहां चलने का खुला निमंत्रण दिया और कहा कि जितने विद्यार्थी उसमें समा सकते हों वे भी चल सकते हैं। यह स्थान पठार पर सुंदर रूप से अवस्थित है, जहां से उस नदी का विस्तृत फैलाव तथा उनके बीच प्रसिद्ध सहस्त्रों द्वीपों में से अनेकों का दृश्य बड़ा मनोरम दिखाई देता है। वह कुटीर ऐसे निर्जन स्थान में अवस्थित था कि उसके भीतर कोई मानवीय ध्वनि न पहुंच पाती। वहां रहने वाले लोग केवल सुन पाते झींगुरों की झनझन, पक्षियों का मधुर कलरव तथा पत्तों में से हवा का धीमा धीमा सरसराना। रात में चांद के उठने पर वहां का दृश्य उसकी सुशीतल किरणों से आलोकित रहता और नीचे नदी के चमकते जल में उसका प्रतिबिंब चमकता रहता। ऐसे मनमोहक स्थान में इन निष्ठावान विद्यार्थियों ने अपने अत्यंत प्रिय गुरु के प्रेरणापूर्ण वचनों का श्रवण करते हुए उनके साथ सात आनंददायक सप्ताह व्यतीत किए। 12 शिष्यों के इस दल में कुमारी एस ई वॉल्डो, जिनके हम अत्यंत ऋणी हैं, को छोड़कर एक और तत्पर शिष्या थी जो अपनी जीवन की अंतिम घड़ी तक स्वामी जी के उपदेशों के प्रति सच्ची बनी रहीं। उनका नाम कुमारी ग्रीनस्टीडेल था, जो बाद में भगिनी क्रिस्टीन बनी। उन्होंने भगिनी निवेदिता को उनके द्वारा भारत में चलाए जा रहे शैक्षणिक कार्य में कुशलतापूर्वक सहयोग प्रदान किया। इस द्वीप में रहते समय स्वामी जी ने ऐतिहासिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और लौकिक सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके स्वभाव के उपादान अपने आप को शाश्वत सत्य के विभिन्न पक्षों की महान अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट कर रहे हैं। ये जो सात सप्ताह थाउजेंड आइलैंड पार्क में बिताए गए वे निसंदेह स्वामी जी के जीवन के सबसे अनिर्बंध और महानतम क्षण थे। वे वहां उस द्वीप के अबाधित शांतिमय वातावरण में वैसा ही अनुभव कर रहे थे जैसा कि बरसों पूर्व दक्षिणेश्वर में अपने गुरुदेव के पावन सानिध्य में बिताया था।
गंगा के तीर पर दक्षिणेश्वर में भक्तों के हृदय में आध्यात्मिक आनंद की कृतकृत्यता की जो झंझा बही, वही यहां पर नए रूप से इस जनविहीन अंचल में अन्य भक्तों के हृदय में बहने लगी। इस समय स्वामी जी के मुख से जो प्रेरणापूर्ण वचन निकले, उनकी कुछ झलक इंस्पायर्ड टॉक्स देववाणी नामक ग्रंथ में देखी जा सकती है। इस ग्रंथ का श्रेय उत्साही शिष्या कुमारी वॉल्डो के अथक प्रयास और उद्यम को है। इस स्थान की ही शांति में स्वामी जी ने सन्यासी का गीत नामक अपनी अमर कविता भी लिखी, जो आज आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए सबसे कीमती विरासत बन गई है। थाउजेंड आइलैंड पार्क में शिष्यों को सम्यक रूप से शिक्षित करने का महान कार्य संपन्न कर स्वामी जी न्यूयॉर्क लौटे। अमरीका में उन्होंने जिस संदेश का प्रचार किया था, उसी का प्रचार अब अंग्रेजों के बीच करने स्वामी जी शीघ्र ही यहां से जलयान के द्वारा इंग्लैंड रवाना हो गए। उनकी अनुपस्थिति में अमरीका में वेदांत प्रसार का कार्य उनके शिक्षित शिष्यों के दल द्वारा अबाध रूप से चलता रहा, परंतु इस नए संसार में प्रारंभ किए गए विभिन्न कार्यों को ठोस रूप देने के लिए स्वामी जी की उपस्थिति बड़ी ही आवश्यक हो पड़ी, अतएव वे इंग्लैंड से शीघ्र लौट आए। अमरीका की भूमि में अपने वेदांत कार्य को सुदृढ़ नींव प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने फरवरी 1896 के अंतिम भाग में सार्वजनिक भाषण देना बंद कर दिया और एक निश्चित समिति के रूप में वेदांत आंदोलन को गठित कर उन्होंने अपने उपदेशों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इस प्रकार न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी अस्तित्व में आई। वो एक असांप्रदायिक संस्था थी जिसका उद्देश्य था वेदांत का प्रचार और अभ्यास तथा उसके सिद्धांतों का सभी धर्म मतों में व्यवहार, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उनकी स्वीकृति उसकी मूल बातें थीं, और उसके कार्यकलापों से ये बातें ध्वनित होती। उसके सदस्य वेदांती के रूप से परिचित हुए। वे संस्था के कार्य को सुदृढ़ और सुसंगठित करने के लिए तथा वेदांत साहित्य के अध्ययन और प्रसार के लिए नियमित रूप से निर्धारित समय पर मिला करते। स्वामी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे राजयोग, भक्ति योग और कर्मयोग तब तक प्रकाशित हो चुकी थीं। इन ग्रंथों ने अमेरिका के बड़े बड़े विद्वानों और विचारकों में पर्याप्त रुचि जागृत की। अपनी इन कक्षाओं को एक संस्था के रूप में संगठित करने के पीछे स्वामी जी का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि वे पूर्व और पश्चिम दोनों के विचारों और आदर्शों का परस्पर विनिमय चाहते थे। उनके मन में भारत से अपने कुछ गुरु भाइयों को यहां लाने की योजना बन चुकी थी ताकि वे अमरीका में उपदेश और प्रचार का कार्य कर सकें। इसी प्रकार वे अपने कुछ अंग्रेज और अमरीकी शिष्यों को भारत भेजना चाहते थे जिससे वे वहां शिक्षा और प्रचार का कार्य कर सकें। अमरीका में धर्म की शिक्षा प्रयोजनीय थी और भारत में व्यवहारिक विज्ञान की। विज्ञान, उद्योग, अर्थशास्त्र, व्यावहारिक समाजशास्त्र, संघबद्धता और सहकारिता की शिक्षा भारत के लिए आवश्यक थी। भारतीयों के लिए आवश्यक थी वो शक्ति, वो कार्यकुशलता, उन्नति की वो पिपासा जो क्रियाशील पश्चिम के स्वाधीनता प्रिय लोगों की विशेषता थी। स्वामी जी का मत था कि पश्चिम की क्रियाशीलता से पूर्व को लाभ होगा और पूर्व की अंतर्मुखता एवं ध्यानप्रियता से पश्चिम को। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के एक बड़े धनी और प्रभावशाली व्यक्ति श्री फ्रांसिस एच लेगेट को इस नवगठित वेदांत सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया। स्वामी जी के सार्वभौमिक उपदेशों एवं प्रकांड पांडित्य का अमरीकी बौद्धिक वर्ग के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें तो हार्वर्ड में प्राच्य दर्शन की चेयर भी प्रदान की गई और इसी प्रकार कोलंबिया यूनिवर्सिटी में संस्कृत की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के अलावा दूसरे वैचारिक क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति भी स्वामी जी के पांडित्य से और विज्ञान एवं कला पर उनके अधिकार से मुग्ध थे। उनकी निर्भीक स्पष्ट उक्ति बहुधा उन्हें जनसाधारण की प्रशंसा से विलग कर देती, जिसके लिए बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता अतिशय लालायित रहते हैं और अपने सिद्धांतों तक की बलि दे देते हैं।
पर अंत में उन्होंने देखा, भले ही अमरीकी जनता पहले पहल रुष्ट होती दिखाई देती हो, वह बाद में उसे बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखती है जो वहां की सभ्यता के दोषों को खुले रूप से व्यक्त करने का साहस करता है। अपने अमरीकी कार्य की समाप्ति तक स्वामी जी पूरी तरह से थक गए थे। जो भी उन्होंने किया, कहा या लिखा, उसमें प्रचंड अग्नि की प्रखरता थी और इसने उनके सुदृढ़ स्वास्थ्य को भी हिला दिया। उनके मित्र जानते थे कि जिन लोगों ने उनके संदेश को अपने जीवन का शास्त्र बना लिया है, उनके कल्याण के लिए स्वामी जी ने अपने को पूरी तरह खपा दिया था। इंग्लैंड में हमने देखा है कि थाउजेंड आइलैंड पार्क में अपना शिक्षण कार्य समाप्ति कर स्वामी विवेकानंद 1895 के उत्तरार्ध में इंग्लैंड गए। वास्तव में उन्होंने सब मिलाकर 3 बार इंग्लैंड की यात्रा की थी, 1895 में सितंबर से नवंबर के अंत तक, 1896 में अप्रैल से जुलाई के अंत तक और 1896 में ही अक्टूबर से 16 दिसंबर तक। जिस क्षण से उन्होंने इंग्लैंड में पदार्पण किया, उन्हें प्रतीत हुआ कि वे एक बिल्कुल भिन्न संस्कृति और परंपरा के वातावरण में आए हैं। यहां उन्होंने ऐसा देखा, यहां उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र देखा जो वीर, साहसी और धीर व्यक्तियों से भरा था, पर अंग्रेजों की प्रशंसा करते हुए भी वे अपने भारत संबंधी ध्येय को कभी नहीं भूले। इस संदर्भ में उन्होंने एक समय श्री लेगेट को अमेरिका में लिखा था, यह ब्रिटिश साम्राज्य अपने समस्त दोषों के बावजूद विचारों के प्रसार के लिए एक सबसे बड़ी मशीन है। मैं अपने विचारों को इस मशीन के बीच रख देना चाहता हूं, बस वे सारे संसार में फैल जाएंगे। रास्ते में स्वामी जी यूरोपीय संस्कृति के केंद्र पेरिस भी गए और वहां के अजायब घर, गिरजाघर, कैथेड्रल, आर्ट गैलरीज एवं राष्ट्र की अन्य कलात्मक संपदा को देखकर मुग्ध हो गए। पेरिस में उनके गृह स्वामी ने अपने कुछ विद्वान मित्रों के साथ उनका परिचय कराया। स्वामी जी ने उन लोगों के साथ उच्चतम आध्यात्मिक विषय से लेकर अत्यंत पांडित्यपूर्ण अध्ययनों तक की चर्चा की। इंग्लैंड आने पर उनके मित्रों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनमें कुमारी हेनरिटा म्यूलर भी थी जो पहले ही स्वामी जी से अमरीका में मिल चुकी थीं, और थे श्री ईटी स्टर्डी। कुछ दिन विश्राम करने के बाद स्वामी जी ने चुपचाप कार्य आरंभ किया। दिन के समय वे प्रत्येक ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के स्थान में जाते, सुबह और बहुधा सायंकाल वे कक्षाएं लेते और लोगों से मिलते। उनकी कीर्ति तुरंत फैलने लगी और अपने वहां आने के 3 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने अपने को श्रम साध्य कार्यों में व्यस्त पाया। समाचार पत्रों ने उनका स्वागत किया और उनके विचारों को प्रचारित किया। लंदन के कुछ अत्यंत विशिष्ट क्लबों में, यहां तक कि वहां की प्रमुख धार्मिक संस्थाओं के कतिपय नेताओं ने भी उन्हें अपने यहां आमंत्रित किया और उल्लेखनीय प्रशंसा के साथ उनकी अभ्यर्थना की। स्वामी जी अंग्रेज समाज के श्रेष्ठ वर्गों में संचारण कर रहे थे और अभिजात वर्ग के सदस्य भी उन्हें अपना मित्र कहने में गर्व का अनुभव करते थे। अमरीका में उन्होंने देखा था कि नए विचारों को ग्रहण करने में वहां की जनता सबसे अधिक उत्साही और तत्पर है, परंतु इंग्लैंड में उन्होंने पाया कि भले ही उनके श्रोता उनकी प्रशंसा में और उन्हें स्वीकार करने की अपनी घोषणा में उतने उदार नहीं हैं, तथापि एक बार किसी उपदेशक और उसके विचारों की सार्थकता में विश्वास हो जाने पर वे अपनी भावनाओं में कहीं अधिक उत्कट और विश्वसनीय हैं। यद्यपि इस समय लंदन में उनका निवास अत्यंत अल्प था, तथापि उन्हें एक आनंदपूर्ण संतोष हुआ कि वे बहुतों को अपना अच्छा मित्र और प्रबल समर्थक बनाने में समर्थ हुए हैं। इनमें थीं कुमारी मार्गरेट नोबल, बाद में भगिनी निवेदिता, जो एक शैक्षणिक संस्था की प्रधान अध्यापिका थीं तथा शैक्षणिक कार्यों के विस्तार हेतु संस्थापित सिसिम क्लब की महत्वपूर्ण सदस्य थीं। उनका संपर्क ऐसे वर्गों से था जो शांत पर उल्लेखनीय रूप से बौद्धिक थे। उनकी समस्त आधुनिक प्रभावों और विचारधाराओं में गहरी रुचि थी। वे स्वामी जी की धार्मिक संस्कृति के अनूठेपन
और उसकी व्यापकता से तथा उनके दार्शनिक दृष्टिकोण की बौद्धिक ताजगी से बड़ी प्रभावित हुई थी। स्वामी जी अप्रैल 1896 में दूसरी बार इंग्लैंड गए। एक सुखद आश्चर्य उनकी बाट जो रहा था। स्वामी जी ने अपने गुरु भाई स्वामी सारदानंद को लंदन आकर उस कार्य सूत्र को हाथ में लेने के लिए लिखा था जिसे वे अपनी प्रथम यात्रा में आरंभ कर चुके थे। अब उन्होंने देखा कि स्वामी सारदानंद कलकत्ता से वहां आ पहुंचे हैं और श्री ईटी स्टर्डी के अतिथि हैं। इस बार स्वामी जी ने वेदांत उपदेश पर नियमित कक्षाएं प्रारंभ कर दी। ज्ञान योग पर उनके ओजस्वी व्याख्यान जितने प्रतिभाशाली थे उतने ही प्रभावशाली भी। इन व्याख्यानों ने इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक व्यक्तियों को बड़ा ही प्रभावित किया और विशुद्ध हिंदू दर्शन एवं संस्कृति के प्रसार के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण बना दिया। उन्होंने सर्वसाधारण लोगों के लिए भी कई व्याख्यान दिए और साथ ही निजी वर्गों में भी उनके भाषण हुए। लंदन में स्वामी जी के निवास की एक स्मरणीय घटना थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महान प्राच्य विद्याविद प्रोफेसर मैक्स म्यूलर से उनके विशेष आमंत्रण पर उनके निवास स्थान पर 28 मई 1896 को उनकी भेंट। स्वामी जी के अपने ही शब्दों में, ये भेंट मेरे लिए वास्तव में आलोक देने वाली सिद्ध हुई। छोटा सुंदर सा घर, चारों ओर बढ़िया सा बगीचा, रजत धवल केशों से युक्त ऋषि, उनका शांत और सौम्य चेहरा, 70 वर्ष की आयु के बावजूद बच्चे के समान स्निग्ध ललाट और कहीं पीछे गहराई में अवस्थित आध्यात्मिक खान की सूचना देती हुई उनके मुखमंडल की हर रेखा। मैक्स म्यूलर ने श्री रामकृष्ण के संबंध में जो कुछ जानकारी प्राप्त की थी उससे अधिक स्वामी जी से जानने के लिए वे आतुर थे। उन्होंने स्वामी जी को बताया कि श्री रामकृष्ण के जीवन एवं उपदेशों पर एक काफी बड़ा और सविस्तार ग्रंथ लिखने में उन्हें प्रसन्नता होगी। स्वामी जी के पास जो भी तथ्य इस संबंध में उपलब्ध थे उन्होंने वे सब इस श्रद्धास्पद प्रोफेसर को दिया और प्रोफेसर भी तुरंत काम में लग गए। उन्होंने इन सब तथ्यों का समायोजन अपने उस शिक्षाप्रद ग्रंथ में कर दिया जो कि अंग्रेजी में रामकृष्ण हिज लाइफ एंड सेइंग्स के नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ ने, अधिक क्या कहें, स्वामी जी को इस बात में ठोस सहायता प्रदान की कि वे अंग्रेजी भाषा भाषी संसार में अपनी एवं अपने ध्येय की बुनियाद पक्की कर सकें। स्वामी जी ने अपनी पहली यात्रा में कुमारी हेनरिटा म्यूलर, कुमारी मार्गरेट नोबल, श्री ईटी स्टर्डी और अन्य दूसरे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से जो परिचय प्राप्त किया था वो अब मित्रता में बदल गया। अब तो वे लोग उनके शिष्य बन गए और उनके तथा उनके ध्येय की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर हो गए। जल्दी ही इस दल में 2 और सदस्य जुड़े जो स्वामी जी के सबसे विश्वसनीय शिष्य रहे। वे थे श्री एवं श्रीमती सेवियर, वास्तव में भगिनी निवेदिता, जे जे गुडविन तथा श्री एवं श्रीमती सेवियर को स्वामी जी इंग्लैंड में अपने कार्य का सर्वश्रेष्ठ फल मानते थे। अपने लंदन कार्य के परिश्रम से स्वामी जी पूरी तरह थक गए थे, अतः उन्होंने अपने 3 घनिष्ठ मित्रों का यूरोपीय राष्ट्रों की यात्रा करते हुए छुट्टी मनाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने 1896 के ग्रीष्म का एक बड़ा भाग स्विट्जरलैंड की हिममंडित पर्वत श्रृंखलाओं में बिताया। आल्प्स पर्वत की तलहटी में माउंट ब्लैंक और लिटिल सेंट बर्नार्ड के बीच एक गांव में स्वामी जी के मस्तिष्क में हिमालय के शांत स्निग्ध मौन में एक मठ स्थापित करने की परिकल्पना जागी जहां उनके पश्चिमी और पूर्वी शिष्य एक साथ रह सकें। सेवियर दंपति ने, जो स्वामी जी के साथी थे, इस कल्पना को कभी मिटने ना दिया। वो उनके जीवन का कार्य ही बन गई। जब स्वामी जी स्विट्जरलैंड के पर्वतीय प्रदेश की निस्तब्धता और ताजगी का उपभोग कर रहे थे तभी उन्हें जर्मनी के विख्यात इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर डायसन का पत्र मिला जिसमें उन्होंने उन्हें कील आने का निमंत्रण दिया। उनसे भेंट करने के लिए स्वामी जी ने स्विट्जरलैंड में अपने निवास को कम कर दिया। फिर भी वे समय निकालकर हिडलबर्ग, कॉबलेंस, कोलोन और बर्लिन गए क्योंकि वे कम से कम जर्मनी की एक झलक पा लेना चाहते थे। वहां की बौद्धिक समृद्धि और प्रबल विद्या अनुराग देखकर
स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए। कील में उनका हार्दिक स्वागत किया गया और उन दोनों के संबंध इतने सौहार्दपूर्ण हुए जितने कि पॉल डायसन जैसे निष्ठावान वेदांती से आशा की जा सकती थी। यूरोपीय देशों की यात्रा समाप्त कर स्वामी जी फिर से लंदन आए और वहां आकर पॉल डायसन उनसे पुनः मिले। इस बार लंदन में स्वामी जी ने 2 महीने व्यतीत किए। इस बीच वे पुनः मैक्स म्यूलर से मिले और एडवर्ड कार्पेंटर, फ्रेडरिक मायर्स, कैनन विल्बरफोर्स एवं अन्य विख्यात लोगों से उन्होंने भेंट की। उन्होंने माया के हिंदू सिद्धांत एवं अद्वैत वेदांत पर एक व्याख्यान माला भी प्रदान की। इतना परिश्रम उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ और उनके मित्रों ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दी। पर भारत की पुकार अब उन्हें वापस बुला रही थी। उन्हें प्रतीत होने लगा कि पश्चिम में कार्य का उनका भाग पूरा हो गया है और अब उनके लिए समय आ गया है कि भारत जाकर अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए पूरी शक्ति के साथ अपने को कार्य के भंवर में डाल दें। अपनी अनुपस्थिति में अमरीका के अपने कार्यों की संभाल के लिए उन्होंने जल्द ही शारदानंद को न्यूयॉर्क भेजा, क्योंकि वहां से उनके शिष्य और वेदांत के विद्यार्थी बार बार इसके लिए अनुरोध कर रहे थे। लंदन के कार्य के लिए उन्होंने अपने एक दूसरे गुरु भाई स्वामी अभेदानंद को भारत से बुला भेजा। स्वामी जी ने पूरी शक्ति के साथ अभेदानंद को सिखाना शुरू किया कि उनके नए जीवन का उत्तरदायित्व क्या है। दिन पर दिन वे अभेदानंद को शिक्षा देते रहे जिससे वे अकेले ही वहां का कार्य चला सकें। स्वामी जी अपने पीछे अपने स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ जाने के लिए उत्सुक थे जो आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों दृष्टियों से योग्य हो। स्वामी जी ने जब देखा कि अभेदानंद वेदांत के बड़े ही योग्य संदेश वाहक होंगे और उनके चले जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव के कार्य के लिए एक समर्थ और उपयुक्त व्यक्ति होंगे, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार चिंता से रहित हो स्वामी जी का मन अब कंपस की भांति भारत की ओर केंद्रित हो गया। वो भारत जो लाखों करोड़ों दरिद्रों और पद दलितों का आवास था और जिनको उठाने के लिए उन्होंने अटलांटिक ओशन पार किया था, एक विदेश भूमि पर जाकर इतना परिश्रम किया था कि उनके स्नायु ही फटने पर आ गए थे। प्यारा भारत, 16 दिसंबर 1896 को सेवियर दंपत्ति के साथ स्वामी जी लंदन से यूरोप की ओर रवाना हुए। ये निश्चित कर लिया गया था कि श्री गुडविन साउथैम्पटन से जहाज पर चढ़ेंगे और नेपल्स पर उन लोगों से आकर मिलेंगे। अपने को एक बार फिर से मुक्त पाकर स्वामी जी आह्लादित हुए। उन्होंने सेवियर दंपत्ति को कहा, अब मेरे मन में केवल एक ही विचार है और वो है भारत। मेरी दृष्टि अब भारत पर ही लगी है। जब वे रवाना होने वाले थे तो एक अंग्रेज मित्र ने उनसे पूछा, स्वामी जी, ऐश्वर्यशाली, गरिमामय और शक्ति संपन्न पश्चिम में 4 वर्षों के अनुभवों के पश्चात अब आपको अपनी मातृभूमि कैसी लगेगी? उनका उत्तर महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, इस ओर आने से पहले मैं भारत को प्यार करता था, पर अब तो भारत का धूलिकण तक मेरे लिए पवित्र हो गया है। अब वो एक पवित्र भूमि है, एक तीर्थ है। ये दल डोवर, कैले और माउंट सोनिस होकर मिलान गया और इटली से होते हुए एक छोटी यात्रा की। रोम जाने के लिए जब ट्रेन ने फ्लोरेंस छोड़ा तो स्वामी जी भावों में खो गए, क्योंकि यूरोप के नगरों में वे रोम को देखने के लिए सबसे अधिक उत्सुक थे। इस शाही नगर में उन्होंने 1 सप्ताह बिताया। रोम में ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों तथा विद्या, कला एवं धर्म के भव्य पीठों को देखकर स्वामी जी अतिशय प्रसन्न हुए। पर जब इस दल ने रोम छोड़ा तो स्वामी जी उदास नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि हर दिन उन्हें उनकी प्रतीक्षित घटना के और पास लाते जा रहा था, और वो थी भारत को प्रस्थान। रोम से वे लोग नेपल्स आए। वहां उन्हें जहाज चढ़ना था। आखिर साउथैम्पटन से श्री गुडविन को लेकर वो जहाज भी आ गया और वहां से कोलंबो के लिए स्वामी जी एवं उनके शिष्यों को लेकर 30 दिसंबर 1896 को रवाना हुआ। स्वामी जी का देश प्रत्यावर्तन
आधुनिक भारत के इतिहास में एक महान घटना थी, क्योंकि उनके सम्मान में सारा भारत मिलकर खड़ा हुआ था। विगत 4 वर्षों से भारत की जनता को यह समाचार मिलता आ रहा था कि स्वामी जी अभूतपूर्व सफलता के साथ पश्चिमी राष्ट्रों के समक्ष हिंदू धर्म को समझाने एवं प्रस्तुत करने का महान कार्य कर रहे हैं। सारा भारत उनकी ओर ऐसे देख रहा था मानो वे प्राचीन युग के कोई महाशक्ति संपन्न आचार्य हों, जो सनातन धर्म की मृत प्राय महिमा को पुनः जीवित करने के लिए तथा समग्र सुसभ्य संसार में उसकी पताका को फहराने के लिए फिर से जन्म धारण करके आए हों। जब से धर्म महासभा में उनको सफलता मिली थी, तब से भारत में नई शक्तियों का खेल प्रारंभ हो गया था। स्वामी जी के व्याख्यानों और वचनों के अध्ययन से शिक्षित भारतीयों की आंखें अपने धर्म में छुपे हुए सौंदर्य और खजानों के प्रति उन्मुख हुईं। वे अधिकाधिक ये देखने लगे कि कैसे एकमात्र वेदांत ही सर्वश्रेष्ठ रूप से सार्वभौमिक धर्म होने का दावा कर सकता है। 15 जनवरी 1896 की सुबह लंका का समुद्र तट दूर से दिखाई देने लगा। उदीयमान मरिचमाली की रक्ताभ किरणों ने उस दृश्य को अपूर्व सौंदर्य से मंडित कर दिया था। ये था भारत, और उसे देखकर स्वामी जी भावावेग से विह्वल हो गए। पर उन्हें यह पता न था कि वे सभी धार्मिक संप्रदायों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलने वाले हैं, जो उनका स्वागत करने वहां पर इकट्ठा हुए थे। उनके एक गुरु भाई भी उनसे मिलने लंका आए थे, अन्य गुरु भाई आने वाले थे। मद्रास और कलकत्ता में उनके आगमन को लेकर अत्यधिक उत्तेजना थी। स्वामी जी ये देखने वाले थे कि भारत में वे युग पुरुष बन गए हैं। जब वे कोलंबो पहुंचे तो दर्शकों की उमड़ती भीड़ से जय जयकार के नारे आकाश में गूंजने लगे। उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए लोग टूट पड़े। एक विशाल जुलूस अपने आगे ध्वजाएं और पताकाएं लेकर चलने लगा। धार्मिक स्तोत्र गाए जाने लगे और स्वामी जी के रास्ते में फूल बिखेर दिए गए। धनी और निर्धन सभी प्रकार के सैकड़ों दर्शक उनके लिए भेंट लेते आए। सबकी आंखों के तारे स्वामी विवेकानंद उस जुलूस के बीच इस प्रकार शोभायमान हुए मानो कोई महान विजेता अपनी विजय से महिमा मंडित हो लौट रहा हो। पर ये किसी भौतिक साम्राज्य के विजेता नहीं थे, ये तो पूर्वी और पश्चिम दोनों हृदयों को जीतने वाले थे। लंका में जनता के स्वागत के उत्तर में उन्हें कई सभाओं को संबोधित करना पड़ा। वे उस द्वीप में लगभग 10 दिन रहे। जैसे जैसे समुद्र को पार कर वे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे सर्वत्र उनका भरपूर उत्साह के साथ स्वागत किया गया। विजय यात्राएं निकाली गईं, बाजे बजाए गए, तोपें छोड़ी गईं, स्वागत में आतिशबाजियां की गईं, राजाओं ने उनका रथ खींचा तथा उनके प्रति सम्मान और आदर व्यक्त करने के लिए लोगों में होड़ लग गई। 5 वर्ष पहले की तुलना में आज ये कितना अंतर पड़ गया। तब स्वामी जी इन्हीं स्थानों से हाथ में भिक्षा पात्र लेकर एक अज्ञात परिव्राजक की तरह थकावट से चूर हो पैरों में छाले लेकर गुजरे थे। पर स्वामी जी जानते थे कि उनका ये जो असाधारण स्वागत किया जा रहा है वह उस आदर्श के प्रति लोगों की श्रद्धा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसका कि वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्राण है, और वे रास्ते भर अपने ओजस्वी व्याख्यानों में भारत के पुनर्जागरण संबंधी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते रहे। अपने देशवासियों को संदेश। मद्रास में लोगों का उत्साह अपने शिखर पर पहुंच गया। नगर ने उनके सम्मान में 17 स्वागत द्वार निर्मित किए और विभिन्न भाषाओं में उन्हें 24 अभिनंदन पत्र समर्पित किए। नगर का समूचा सार्वजनिक जीवन उनके आगमन पर स्थगित हो गया। यहां पर उन्होंने मेरी समर नीति, वेदांत का संदेश और भारत का भविष्य के नाम से दी गई उत्कृष्ट व्याख्यान माला में अत्यंत प्रेरक पूर्ण शब्दों में भारत के प्रति अपने संदेश को प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के समान प्रत्येक राष्ट्र का एक जीवन ध्येय होता है जो उसका केंद्र हुआ करता है। वही उसकी मुख्य स्वर लहरी होती है जिसके साथ अन्य स्वर लहरियां मिलकर एक समरसता का निर्णय करती हैं। यदि कोई राष्ट्र अपनी इस राष्ट्रीय जीवन शक्ति को दूर करने का प्रयास करता है तो वो राष्ट्र मर जाता है, क्योंकि शताब्दियों के संक्रमण के फलस्वरूप वो दिशा उसकी अपनी बन गई होती है। भारत में धार्मिक जीवन ही वह प्राण केंद्र है, वही राष्ट्रीय जीवन के समूचे संगीत का प्रधान स्वर है। भारत में समाज सुधार की शिक्षा तभी कारगर हो सकती है जब यह दिखाया जाए कि वो जीवन को कितना अधिक आध्यात्मिक बना सकेगा। उसी प्रकार राजनीति का प्रचार तभी हो सकता है जब यह दिखा दिया जाए कि राष्ट्र जिस आध्यात्मिकता का इच्छुक है उसमें कितनी वृद्धि हो सकेगी। अतएव भारत को सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने से पूर्व उसे पहले आध्यात्मिक विचारों से सराबोर कर देना चाहिए। प्रथम कार्य जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है वो ये है कि हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों और पुराणों में जो अति अद्भुत सत्य छिपे हुए हैं उन्हें पुस्तकों से, मठों से और अरण्यों से बाहर निकालकर सारे देश भर में बिखेर देना चाहिए, जिससे ये सत्य उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, हिमालय से कन्याकुमारी एवं सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र दावानल के समान देश भर में फैल कर धधक जाएं। सुनो प्रत्येक नर और नारी, प्रत्येक शिशु बिना किसी जाति या धर्म के विचार के, बिना दुर्बलता या शक्ति की भावना के ये सुने और सीखे कि बलि और निर्बल के पीछे, ऊंचे और नीचे के पीछे, सबके पीछे वही अनंत आत्मा है जो सबकी अनंत संभावना और अनंत सामर्थ्य पर बल देता हुआ उन्हें महान और उत्तम बनने का आश्वासन प्रदान करता है। हम प्रत्येक जीव के समक्ष घोषणा करें, उठो जागो और ध्येय की प्राप्ति तक मत रुको। उठो जागो, दुर्बलता के इस सम्मोहन से जागो। कोई भी वस्तुतः दुर्बल नहीं है, यह आत्मा अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। खड़े हो, अपने अस्तित्व पर बल दो, अपने अंतःस्थित परमात्मा की घोषणा करो, उन्हें अस्वीकार मत करो। हम मनुष्य निर्माण करने वाला धर्म ही चाहते हैं, हम सर्वतः मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा ही चाहते हैं, हम मनुष्य निर्माण करने वाले सिद्धांत ही चाहते हैं। और ये रही सत्य की कसौटी, जो भी तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाता है उसे विष के समान त्याग दो, उसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है, ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य बलप्रद होता है, सत्य पवित्रता स्वरूप है, सत्य सर्वज्ञान स्वरूप है। दुर्बल करने वाला रहस्यवाद छोड़ दो और बलि बनो। महानतम सत्य संसार में सबसे सरल हुआ करते हैं, तुम्हारे अपने अस्तित्व की तरह सरल। अपने देशवासियों को ये प्रेरणापूर्ण संदेश देते समय स्वामी जी ये नहीं भूले थे कि लाखों करोड़ों लोगों को पतन और घोर जड़ता के कीच से उबारने की आवश्यकता पर बल देना भी उनका कर्तव्य है। उन्होंने अपने समय के समाज सुधारकों और देशभक्तों को चेतावनी देते हुए देशभक्ति के अपने आदर्श को निम्नलिखित प्रेरणापूर्ण शब्दों में रखा। हम ही अपने सारे पतन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे सामंतवादी पूर्वज देश की साधारण जनता को अपने पैरों तले इतना रौंदते गए कि वह असहाय बन गए, और इस अत्याचार के कारण यहां के गरीब लगभग भूल ही गए थे कि वे भी मनुष्य हैं। उन्हें शताब्दियों से केवल लकड़ी काटने वाले या पानी ढोने वाले बने रहने के लिए ही बाध्य किया गया है। अतएव मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम अनुभव करो, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इस भांति भूखे मरे हैं?
क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम ये सब सोचकर द्रवित हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुम्हारी नींद को गायब कर दिया है? क्या तुम अपने नाम, यश, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर की भी सुध बिसर गए हो? क्या सचमुच तुम ऐसे हो गए हो? यदि हां, तो जानो तुमने देशभक्त बनने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। हां, पहली ही सीढ़ी पर। केवल व्यर्थ की बातों में शक्ति का शयन न करते हुए इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए क्या तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या लोगों को गाली न देकर उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है? क्या स्वदेशवासियों को उनकी इस जीवन मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है? क्या उनके दुखों को कम करने के लिए दो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है? किंतु इतने से ही पूरा ना होगा। क्या तुम पर्वतकाय विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने के लिए तैयार हो? यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? यदि तुम में ये तीन बातें हैं, तो तुम में से प्रत्येक अद्भुत कार्य कर सकता है। आगामी 50 वर्षों के लिए हमारे मन से शेष सभी व्यर्थ के देवता लुप्त हो जाएं। केवल यही ये हमारी जाति ही ऐसा देवता है जो जाग रहा है। उसके सभी जगह हाथ हैं, सभी जगह पैर हैं और सब जगह आंखें। वो सबको व्याप्त करके स्थित है। दूसरे सब देवता सो रहे हैं। व्यर्थ के देवताओं के पीछे जाकर क्या लाभ, जब हम अपने चारों ओर विद्यमान इस ईश्वर की, इस विराट की पूजा नहीं कर पाते। सबसे पहले उपासना विराट की उपासना है। हमारे चारों ओर जो है उनकी उपासना है। ये मनुष्य और जीव जंतु ये भी हमारे देवता हैं, और यदि किसी देवता की हमें सबसे पहले उपासना करनी चाहिए तो वे हैं हमारे देशवासी। बंगाल पीछे नहीं रहा। अपने इस प्रिय और विशिष्ट पुत्र को योग्य सम्मान देने में वो भी दूसरे प्रदेशों के साथ होड़ करने लगा। स्वामी जी कलकत्ता पहुंचे ही थे कि शत शत लोग अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा उन्हें अर्पित करने तथा वेदांत पर उनके जाज्वल्यमान विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। दिन के समय स्वामी जी साधारणतः वराहनगर में गोपाल लाल सील के महल में रहते और रात में मठ में निवास करते, जो अब आलम बाजार मठ में अवस्थित था। नगरवासियों ने औपचारिक रूप से 28 फरवरी 1897 को उनका अभिनंदन करने की तिथि निश्चित की। इसके लिए शोभा बाजार में राजा सर राधाकांत देव बहादुर का भव्य निवास स्थान चुना गया। इस सभा की अध्यक्षता राजा विनय कृष्ण देव बहादुर ने की। उन्होंने स्वामी जी के परिचय में कहा कि वे भारत के जीवन में सर्वाग्रणी राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। उस सभा में बहुत से राजा और महाराजा, सन्यासी, विशिष्ट यूरोपियनों का दल, कई प्रख्यात पंडित, गणमान्य नागरिक और सैकड़ों कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे। इस अभिनंदन के उत्तर में स्वामी जी ने भी जो भाषण दिया, वो वाग्मिता और ज्वलंत देशभक्ति के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कलकत्ते में रहते समय स्वामी जी प्रतिदिन श्री रामकृष्ण के एक न एक भक्त के यहां जाया करते। सील के बगीचे में उनसे मिलने के लिए रोज ही प्रतिष्ठित लोग तथा विभिन्न व्यवसायों के व्यक्ति एवं सैकड़ों उत्साही युवक आया करते। प्रश्नकर्ता स्वामी जी के ज्ञान को देखकर और शास्त्रों की उनकी व्याख्या को सुनकर चमत्कृत हो जाते। यहां तक कि दर्शन के बड़े बड़े आचार्य और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी उनकी प्रतिभा को देख आश्चर्य से मुग्ध हो जाते। पर स्वामी जी का हृदय तो शिक्षित और अविवाहित युवकों के साथ था और उनसे वार्तालाप करते वे कभी न थकते। उनके भीतर एक प्रबल इच्छा थी कि वे इन तरुणों में अपनी प्रेरणा भर दें और इनमें जो अधिक उत्साही और धार्मिक हैं उन्हें इस योग्य बना दें कि वे अपना जीवन
अपनी मुक्ति के लिए तथा संसार के हित के लिए न्योछावर कर सकें। वे उनकी शारीरिक दुर्बलता पर दुख प्रकाश करते, बाल विवाह की निंदा करते और उन लोगों में आत्मविश्वास की कमी और अपनी राष्ट्रीय संस्कृति एवं आदर्शों के प्रति निष्ठा का अभाव देखकर उनका तिरस्कार करते। पर ये सब इतने प्यार और सहृदयता के साथ किया जाता कि वे उनके अनुगत शिष्य और अनुयायी बन जाते। कहना ना होगा कि स्वामी जी कलकत्ता में रहते समय अपना अधिकांश ध्यान आलम बाजार मठ पर केंद्रित किए हुए थे। अपने प्रिय नेता को फिर से अपने बीच पाकर सन्यासियों को जो आनंद हुआ वो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन पुराने दिनों की स्मृतियां जब वे अपने गुरुदेव के साथ थे फिर से जाग उठी और प्रत्येक अपने परिव्राजक जीवन में आए असंख्य अनुभवों का वर्णन करने लगे। स्वामी जी भी सुदूर पश्चिम में अपने जीवन और कार्य की सैकड़ों घटनाओं और कहानियां बताकर अपने गुरु भाइयों एवं श्री कृष्ण के भक्तों का मनोरंजन करते। स्वामी जी की बहुतेरी उपलब्धियों में से सबसे बढ़कर उपलब्धि वो थी जब उन्होंने अपने गुरु भाइयों की धारणा धार्मिक जीवन के व्यक्तिगत भाव से निकालकर सार्वभौमिक भाव में बदल दी, जिसके अंतर्गत जनता जनार्दन की सेवा करना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अब तक मठ के सन्यासियों का आदर्श था अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए प्रयास करना और सन्यास जीवन की प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए संसार और उसके सुख दुख से यथाशक्ति दूर रहते हुए कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा उस परमात्मा की अनुभूति कर लेना। पर जब से उनके बीच स्वामी जी आए एक नया विचार प्रवाह उद्घाटित हुआ। स्वामी जी उन लोगों को अपने में तथा श्री रामकृष्ण के महान संदेश में विश्वास की कमी के कारण धिक्कारते थे और इसलिए भी कि वे अपने आप को एक सक्रिय दल के रूप में संगबद्ध करने में समर्थ नहीं हुए थे तथा मुक्ति के संदेश को उन्होंने दूसरों के समक्ष प्रचारित करने में उपेक्षा बरती थी। स्वामी जी ने कहा, ये युग की मांग है कि वे लोग ये नया प्रकाश दूसरों तक ले जाएं तथा वे स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा दर्शाएं कि निर्धन असहाय और रोगी में ईश्वर को देखते हुए कैसे उनकी सेवा की जा सकती है। साथ ही वे दूसरों को भी ऐसा करने के लिए अनुप्रेरित करें। स्वामी जी ने घोषणा की कि उनके जीवन का उद्देश्य भारत में एक नए सन्यासी संघ की स्थापना करना है जो दूसरों की सहायता और सेवा में अपने जीवन का उत्सर्ग कर देगा। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने गुरुदेव के संदेश की एक नई आलोक में व्याख्या की और अपने गुरु भाइयों को बताया कि श्री रामकृष्ण के संदेश का प्रचार करना जनता जनार्दन की स्नेहपूर्ण सेवा के द्वारा उन्हें उन्नत बनाकर एक धार्मिक पुनर्जागरण लाना तथा गुरुदेव के जीवनप्रद विचारों को सारे संसार भर में फैलाना उनका प्रमुख कर्तव्य है। जब वे पश्चिम में थे तभी उन्होंने अपने प्रेरणापूर्ण पत्रों के माध्यम से बारंबार अपने गुरु भाइयों को यह संदेश दिया था। अब उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति, उनकी पुरजोर अपील और साथ ही श्री रामकृष्ण के संदेश की तेजस्वी व्याख्या ने सारा विरोध पूरी तरह समाप्त कर दिया। उन्होंने त्याग और सेवा, इन द्विविध आदर्शों में समन्वित जो जीवन सामने रखा, कठोर नैतिक अनुशासन, ध्यान और अध्ययन के साथ मानवता की वेदी पर आत्मसमर्पण का जो अद्भुत आदर्श उन्होंने मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया, उसने गुरु भाइयों की कल्पना को मानो विद्युत शक्ति से भर दिया। अपने नेता के प्रति अगाध विश्वास के कारण उनके गुरु भाइयों ने ये समझते हुए कि उनकी वाणी श्री रामकृष्ण की ही वाणी है, उनके समर्थन में अपने सिर नत कर लिए। स्वामी जी के निर्देश पर अपने देशवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने कुछ भी करने को और कहीं भी जाने को अपनी कमर कस ली। स्वामी रामकृष्णानंद जो लंबे 12 वर्षों तक मठ के आहाते के बाहर नहीं गए थे, स्वामी जी के आदेश पर
दक्षिण भारत में वेदांत प्रचार हेतु एक केंद्र स्थापित करने के लिए मद्रास रवाना हो गए। स्वामी शारदानंद और स्वामी अभेदानंद पहले ही स्वामी जी की पुकार पर उनके कार्य में सहायक बनने पश्चिम चले गए थे। इसी भावना से प्रेरित हो स्वामी अखंडानंद मुर्शिदाबाद जिले के गांवों की भूख से मरती जनता को बचाने के लिए सहायता हेतु जुट गए। दूसरे गुरु भाई भी आवश्यकता के अनुसार स्वामी जी के द्वारा शुरू किए गए किसी भी धार्मिक और परोपकारिक कार्य में लगने को तैयार थे। वे लोग उनके विचारों और योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु भारत में या उससे बाहर कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत थे। स्वामी जी के जीवन और उपदेशों से प्रभावित होकर शीघ्र ही तरुणों का एक प्रतिभाशाली दल संघ में प्रविष्ट हुआ। दूसरों के लिए अपने जीवन को खपा देने हेतु अज्ञानी और पतित लोगों को जीवन संग्राम में समर्थ बनाकर अपने पैरों पर खड़ा कर देने हेतु सभी के समक्ष बिना किसी भेदभाव के उनके लौकिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए शास्त्रों के सर्वोच्च संदेश का प्रचार करने हेतु वह दल स्वामी जी के साथ खड़ा हुआ। इस प्रकार उनके गुरु भाइयों और शिष्यों के संचालन एवं सहकार्य में क्रमशः विभिन्न मठ केंद्र, सेवा आश्रम और प्लेग, दुर्भिक्ष, अकाल एवं बाढ़ के समय प्रारंभ किए गए सहायता केंद्र अस्तित्व में आने लगे। स्वामी जी बहुत दिनों से श्री रामकृष्ण के सन्यासी और गृहस्थ शिष्यों को सहकार्य के सूत्र में बांधना चाहते थे तथा उनके गुरु भाइयों द्वारा अब तक अव्यवस्थित रूप से जो आध्यात्मिक और परोपकारिक कार्य किए जा रहे थे उन्हें सुव्यवस्थित एवं संगठित करना चाहते थे। स्वामी जी की इस इच्छा को जानकर कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैठक बुलाकर एक समिति का गठन करना चाहते हैं, 1 मई 1897 को अपराह्न में श्री रामकृष्ण के एक भक्त बलराम बोस के निवास स्थान पर सन्यासी और गृहस्थ शिष्यों की एक बैठक आयोजित की गई। उपस्थित भक्तों की सर्वसम्मति से एक संघ का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन। इस मिशन का कर्तव्य निर्धारित हुआ सभी धर्मों को उसी एक शाश्वत धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भ्रातृत्व की स्थापना करने हेतु सम्यक भावपूर्वक उस आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करना जिसका उद्घाटन श्री रामकृष्ण ने किया था। उसके कार्य की पद्धतियां होंगी, पहला लोगों को प्रशिक्षित करना जिससे वे जनसाधारण के लौकिक और आध्यात्मिक कल्याण में सहायक विज्ञान या अन्य विद्याओं की शिक्षा देने में पारंगत हो जाएं। दूसरा कला और उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तीसरा श्री रामकृष्ण के जीवन में वेदांत और अन्य धार्मिक भाव जिस प्रकार प्रदर्शित हुए हैं उस प्रकार से उनका जनसाधारण में परिचय और प्रसार। ये भी प्रस्तावित किया गया कि मिशन की गतिविधियां भारत के विभिन्न भागों में मठों और आश्रमों की स्थापना हेतु केंद्रित हों जिससे सन्यासियों और उन गृहस्थों को प्रशिक्षित किया जा सके जो दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करना चाहते हों। उसके विदेशी विभाग का कार्य हो संघ के प्रशिक्षित सदस्यों को भारत से बाहर वेदांत प्रचार के केंद्र स्थापित करने के लिए अन्य देशों में भेजना जिससे भारत और विदेशों में घनिष्ठ संबंध एवं अधिकाधिक मैतक्य हो। स्वामी विवेकानंद व्यावहारिक वेदांती थे। वे चाहते थे कि सभी लोग उपनिषदों के सिद्धांतों को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में समाचरित करें। स्वामी जी ने स्वयं अपने जीवन में इस आदर्श का व्यवहार किया। उन्होंने अपने को पूरे जी जान से कर्मशीलता के भंवर में डाल दिया और इस प्रकार दूसरों को अपने पदचिन्हों पर चलने में प्रेरणा प्रदान की जिससे वे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें। मई 1897 से जनवरी 1898 तक स्वामी जी एक तूफान के समान अपने विशिष्ट साहस और उत्साह के साथ अपने आदर्शों का बीज बोते हुए उत्तर भारत के ऐतिहासिक नगरों में गए, चाहे वो अल्मोड़ा हो या कश्मीर, पंजाब हो या खेतड़ी, अलवर हो या अजमेर अथवा राजपुताने का कोई प्रमुख केंद्र। सभी जगह स्वामी जी को उच्चतम से लेकर अपने निम्नतम देशवासियों से हार्दिक सम्मान प्राप्त हुआ। राजाओं और महाराजाओं के साथ वे जिस उन्मुक्तता और घनिष्ठता से मिलते तथा उनसे बातें करते
भारतीय जनता के दूसरे वर्गों के लोगों के साथ भी वे ठीक उसी तरह मिलते। वे सबके समक्ष सदैव अपनी मातृभूमि की अनिवार्य आवश्यकताओं को रखा करते। वे अपने देशवासियों के समक्ष उस संस्कृति के मूल्य और महत्व को रखते कभी न थकते जिसे उन लोगों ने अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त किया था। यह ऐसी संस्कृति थी जिसकी तुलना में अतीत या वर्तमान की अन्य कोई भी सभ्यता तुच्छ साबित होती। स्वामी जी अपनी इस बात को बारंबार दोहराते जब तक कि उन लोगों का हृदय भारत के नाम मात्र से स्पंदित न होने लगता। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय राष्ट्रीयता को अतीत के गौरव पर आधारित करना है। भले ही वृद्धि की प्रक्रिया में बहुत सी नई बातों का भी समायोजन करना पड़े, यदि हम राष्ट्र की प्रतिभा के प्रति सच्चा होना चाहते हैं, यदि हम राष्ट्र की आत्मा के प्रति अपील करना चाहते हैं, तो हमें अतीत के इस स्रोत का आकंठ पान करना होगा और तब भविष्य का निर्माण करने आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि अतीत से हमें प्राप्त हुई विरासत वस्तुतः एक धार्मिक विरासत है। अतएव भारत की मूलभूत समस्या है सारे देश को आध्यात्मिक आदर्श के इर्द गिर्द संगठित करना। धर्म से उनका तात्पर्य था श्रुति प्रतिपादित शाश्वत जीवनदायी सिद्धांत, न कि अंधविश्वासों और लोकाचारों का ढेर। ये अंधविश्वास और लोकाचार ऊपर में जमने वाली काई के समान थे जिनको सुदृढ़ और कठोर हाथों से निकालकर दूर फेंकना आवश्यक था। सर्वोपरि उन्होंने दर्शाया कि राष्ट्र अपने व्यक्तिगत घटकों के चरित्र और गुणों पर खड़ा रहता है। व्यक्ति के बल पर समूचे राष्ट्र का बल निर्भर करता है। अतएव उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो भी समूचे राष्ट्र का कल्याण चाहता है उसे, वो चाहे जिस किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, अपने चरित्र निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। उसे साहस, शक्ति एवं आत्मसम्मान के गुणों का अर्जन करना चाहिए तथा त्याग और सेवा के द्विविध राष्ट्रीय आदर्शों को जोरों से पकड़कर रखना चाहिए। पश्चिमी और पूर्वी शिष्यों के साथ इस प्रकार अपना भाषण दौरा समाप्त कर स्वामी जी 1898 के मध्य में कलकत्ता लौटे। फरवरी में मठ को आलम बाजार से गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित बेलूड़ गांव में नीलांबर मुखर्जी के उद्यान भवन में स्थानांतरित किया गया। कुछ समय तक स्वामी जी अपने कार्य के कतिपय महत्वपूर्ण पक्षों में जुटे रहे। उनमें प्रमुख था अपने पूर्वी और पश्चिमी शिष्यों को प्रशिक्षित करना जिससे वे भारत माता के पुनर्जागरण संबंधी उनकी योजनाओं को साकार करने में सक्रिय सहयोग दे सकें। उनके पश्चिमी शिष्य उनकी पुकार पर भारत आए थे। कुमारी मार्गरेट नोबल, कुमारी हेनरीटा एफ म्यूलर के साथ मिलकर भारतीय नारी की शिक्षा के लिए आदर्श संस्थाएं स्थापित करने हेतु जनवरी के अंत में भारत आईं। और उसी प्रकार श्रीमती ओली बुल एवं कुमारी जोसफीन मैकलॉड फरवरी में पहुंची। मार्च में मार्गरेट नोबल ने ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया और निवेदिता नाम धारण किया। विवेकानंद ने कलकत्ता की जनता के समक्ष उनका प्रशंसात्मक परिचय देते हुए कहा कि ये भारत को इंग्लैंड की देन है। एक आध्यात्मिक उपदेशक के नाते स्वामी जी के लिए इन पश्चिमी शिष्यों को प्रशिक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। पश्चिम के शिष्यों में से उन्होंने निवेदिता को अपने कार्य के लिए विशेष रूप से चुना क्योंकि उनमें स्वामी जी को महती आशा और विश्वास केंद्रित था। इसी कारण स्वामी जी के ओजस्वी प्रवचन और संभाषण प्रमुख रूप से निवेदिता के लिए होते। स्वामी जी इस बात के लिए व्यग्र थे कि उनकी पश्चिमी शिष्या भारतीय समस्याओं का निरपेक्ष अध्ययन करे। वे केवल भारत की गरिमा को ही न देखें बल्कि उसकी समस्याओं को भी विशेष रूप से एवं स्पष्टतः समझ लें तथा उनका समाधान करने हेतु पश्चिम की वैज्ञानिक संस्कृति के तौर तरीकों एवं आदर्शों का प्रयोग करें। तत्पश्चात कुछ चुने हुए शिष्यों का दल लेकर स्वामी जी ऐतिहासिक भारत की यात्रा पर निकल पड़े। सेवियर दंपति तब अल्मोड़ा में निवास कर रहे थे। वहां कुछ दिन ठहरकर स्वामी जी ने अपने दल के साथ
झेलम नदी के ऊपर श्रीनगर की घाटी में से होकर कश्मीर की यात्रा की। जुलाई 1898 के अंत में वे अमरनाथ जी की यात्रा पर निकले। केवल भगिनी निवेदिता को ही उस पावन भूमि की यात्रा के साथ चलने की अनुमति मिली। 2 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन वे उस पवित्र गुफा में आ पहुंचे जहां प्रसिद्ध हिमलिंग विराजमान था। दूसरे यात्रियों के पीछे पीछे स्वामी जी भी भावावेश में कांपते हुए लगभग अर्धचेतन अवस्था में उस पवित्र गुफा में प्रविष्ट हुए। वहां उन्हें एक गंभीर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। वे भगवान शिव की उपस्थिति से इतने अभिभूत हो गए कि बाद में भी बहुत दिनों तक उनके अधरों पर शिव को छोड़ और कोई शब्द न था। वह शिव जो शाश्वत हैं, परम योगेश्वर हैं और समस्त सांसारिकता के परे होकर सदैव ध्यान में निमग्न हैं। अमरनाथ जी की यात्रा के बाद से ही स्वामी जी के हृदय की भक्ति धारा जगन माता को अपना केंद्र बनाने लगी और शीघ्र ही उन्हें मां काली का एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन से अभिभूत होने की अवस्था में ही उन्होंने काली माता, काली द मदर नामक एक कविता लिखी जहां उनकी श्रेष्ठ सर्वतोमुखी प्रतिभा दिखाई देती है। इस अनुभूति के बाद 30 सितंबर को वे अचानक चुपचाप अकेले ही क्षीर भवानी चले गए और वहां कठोर तपस्या में रत हो गए। जब कुछ दिनों के बाद वे अपने शिष्यों के पास लौटे तब उन्होंने स्वामी जी को पूरी तरह से बदला हुआ पाया। स्वामी जी के मन से नेता, कार्यकर्ता या उपदेष्टा का सारा भाव गायब हो गया था। अब वे केवल सन्यासी थे, शुद्ध सन्यास के रंग में रंगे हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से भावपूर्ण शब्दों में कहा, अब तो केवल मां ही हैं, मेरी सारी देशभक्ति गायब हो गई है, सब कुछ चला गया है, अब तो केवल मां ही मां हैं। इसके बाद उनका दल लाहौर आया। स्वामी जी का स्वास्थ्य इतना गिर गया था कि उन्हें बंगाल वापस ले जाने के लिए स्वामी सदानंद उनका तार पाकर अल्मोड़ा से उनके पास भागे आए। वे लोग अक्टूबर के महीने में बेलूड़ पहुंचे। नया मठ निर्माणाधीन था। यद्यपि स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरा हुआ था तथापि उन्होंने सन्यासियों के साथ अपना वही पुराना व्यस्त जीवन फिर से आरंभ कर दिया। 9 दिसंबर को उन्होंने मठ के उद्घाटन के निमित्त समर्पण पूजा संपन्न की। 2 जनवरी 1899 से ये स्थान, जो अब बेलूड़ मठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का स्थायी मुख्य केंद्र बन गया। अपने शिष्यों को एकत्रित कर अब स्वामी जी उन लोगों को सन्यास जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों की शिक्षा देने लगे। धार्मिक चर्चा में घंटों बीत जाते, शास्त्रों का पठन होता और गंभीरता पूर्वक उन पर विचार किया जाता और आध्यात्मिक एवं बौद्धिक कार्य के साथ ही दिन के निर्धारित समयों में कठोर अनुशासन तथा संन्यास धर्म के नियमों का पालन करना पड़ता। शिष्यों को संबोधित कर स्वामी जी कहा करते, संसार का इतिहास ऐसे इने गिने लोगों का इतिहास है जिनका अपने ऊपर विश्वास था। वो विश्वास भीतर के ब्रह्म भाव को प्रकट कर देता है। तुम तभी असफल होते हो जब अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते। जो ही मनुष्य अपने आप में विश्वास गंवा बैठता है कि मृत्यु आ जाती है, पहले अपने आप में विश्वास करो और तब ईश्वर में। मुट्ठी भर ऐसे प्रबल आत्मविश्वासी लोग संसार को हिला देंगे। तुम केवल दूसरों की मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करो और यदि दूसरों के हित के लिए तुम्हें नरक में भी जाना पड़े तो वो अपनी मुक्ति की इच्छा करते हुए स्वर्ग को पाने की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अस्वस्थता के बावजूद स्वामी जी अपने इस धर्म संघ के कार्य को स्वामी शारदानंद के साथ मिलकर आगे बढ़ाने का उपक्रम करने लगे। शारदानंद को इसी कार्य के लिए उन्होंने अमेरिका से वापस बुला लिया था। शीघ्र ही भारतीय जीवन के नवनिर्माण के लिए
तथा सारे संसार भर में वेदांत के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने धर्म सेना में सफर मैनाओं का एक शक्तिशाली दल खड़ा कर लिया। अपने पूर्वी और पश्चिमी शिष्यों को बराबरी के स्तर पर प्रेम और एक के सूत्र में बांधने के लिए तथा इसलिए भी कि वे परस्पर अपने उच्चतम आदर्शों का आदान प्रदान करते हुए अद्वैत दर्शन को जीवन में उतारने में समर्थ हो सकें, स्वामी जी ने हिमालय के निर्जन एवं शीत प्रधान पर्वती प्रदेश में एक मठ स्थापित करने का जो सपना देखा था वो भी बहुत जल्द साकार हो गया। सेवियर दंपत्ति ने स्वामी स्वरूपानंद की सहायता से तथा स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में हिमालय के भीतरी प्रदेश में मायावती नामक स्थान पर मार्च 1899 में इस अद्वैत आश्रम की स्थापना की। यहां से चिरहिमानी मंडित शिखरों का बड़ा भव्य और मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। स्वामी जी के मार्गदर्शन में भारत में विभिन्न स्थानों पर भी अन्य महान जनोपयोगी केंद्र स्थापित हुए और इस प्रकार स्वामी जी को यह देखकर संतोष हुआ कि उनका ऊंचा आदर्श उनकी जन्म देने वाली भूमि में गहराई में जाकर जड़ें पकड़ गया है। पश्चिम की द्वितीय यात्रा। स्वामी जी ने अपने द्वारा संस्थापित कार्यों को देखने तथा साथ ही उन्हें पुनः गति प्रदान करने हेतु पश्चिम जाने की इच्छा व्यक्त की। फिर उनके मित्रों एवं चिकित्सकों ने भी उन्हें तुरंत अपने स्वास्थ्य को सुधारने की दृष्टि से ऐसा करने की सलाह दी। इस बार वे अपने साथ भगिनी निवेदिता और अपने गुरु भाई स्वामी तुरियानंद को लेते गए। जहाज 20 जून 1899 को रवाना हुआ। स्वामी तुरियानंद को अमरीका ले जाने के संदर्भ में उन्होंने कहा था, वहां के लोगों ने एक क्षत्र वीर देखा है, अब मैं उसे ब्राह्मण्य तेज दिखाना चाहता हूं। उनका तात्पर्य यह था कि पश्चिम ने उनके सनातन धर्म की प्रतिरक्षा में मुठभेड़ लेने के भाव और शक्ति को देखा है और अब समय आ गया है जब वे लोग अपने सामने एक ध्यानी पुरुष का उदाहरण उनके इन गुरु भाई के रूप में देखें जिनका लालन पालन ब्राह्मणत्व के श्रेष्ठ परंपराओं और कठोर अनुशासनों में हुआ है। लंदन में कुछ दिन रुककर वे अमरीका गए और वहां लगभग एक वर्ष रहे। वहां उन्होंने अभेदानंद को वेदांत के कार्य में पूरी तरह से जुटे हुए देखा। तुरियानंद न्यूयॉर्क के समीप माउंट क्लेयर में रह गए और स्वामी जी स्वयं कैलिफोर्निया गए जहां सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड एवं अल्मेडा में उन्होंने वेदांत के नए केंद्र खोले। इनके अतिरिक्त उनको 160 एकड़ वन भूमि का टुकड़ा सांता क्लारा जिले में दान स्वरूप प्राप्त हुआ। यहां पर कुछ चुने विद्यार्थियों के दल को संन्यास जीवन में प्रशिक्षित करने हेतु स्वामी तुरियानंद ने एक आश्रम की स्थापना की। इस प्रकार कार्य बढ़ने लगा और विचार फैलने लगे। यद्यपि स्वामी जी अमरीका में अपने कार्य को स्थायित्व प्रदान करने में व्यस्त रहते हुए भी विनोद से भरे होते थे, तथापि उनके भीतर सदैव एक अंतर्मुखीनता की धारा प्रवाहित होती रहती। इस बार उनके समूचे पश्चिमी अनुभव के मध्य उनके भीतर परम तत्व में विलीन होने के लिए एक गहरी व्याकुलता दिखाई देती थी। अपने एक पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा भी था, मेरे लिए प्रार्थना करो जिससे सदा के लिए मेरे कार्य समाप्त हो जाएं और मेरा समूचा मन प्राण जगन माता में डूब जाए। लड़ाइयां हारी और जीती जाती हैं, मैंने अपना बिस्तर बांध लिया है और अब उस महान मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब भी वही लड़का हूं जो दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे रामकृष्ण के अद्भुत शब्दों को घोर अचरज में डूबकर सुना करता था। वही मेरा सच्चा स्वभाव है। कार्य और गतिविधियां, दूसरों का भला करना आदि ये सब आरोपण मात्र हैं। अब मैं फिर से उनकी वाणी को सुन पा रहा हूं, मेरे हृदय को मथने वाली उसी वाणी को पुनः सुन रहा हूं। बंधन टूट रहे हैं, प्यार मर रहा है, कार्य अलोने लग रहे हैं, जीवन का आकर्षण शेष हो गया है। अब तो केवल गुरुदेव की वाणी ही पुकार रही है, मुर्दा मुर्दे को गड़ाए तुम मेरे पीछे आओ। मैं आया प्रियतम, मैं आया, निर्वाण मेरे सामने है।
मैं बहुधा अनुभव करता हूँ शांति के उसी अनंत सागर का, जिसमें एक भी लहर नहीं, एक भी झोंका नहीं। जुलाई सन 1900 के अंत में स्वामी जी पेरिस के लिए रवाना हुए, जहां कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स में उन्हें आमंत्रित किया गया था। वे लगभग 3 महीने पेरिस में रहे और वियना, कुस्तुंतीनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल एवं एथेंस होकर मिश्र देश के लिए रवाना हुए। जब से उन्होंने पश्चिम की ये दूसरी यात्रा की थी, तब से उनका ध्यान परायण स्वभाव तीव्र रूप से प्रकट होने लगा था और अब वो चरम शिखर पर पहुंच गया था। पेरिस में बहुधा उनका मन अपने परिवेश से कहीं दूर चला जाता और यहां मिश्र देश में तो ऐसा लगा मानो वे अनुभव के ग्रंथ के अंतिम पृष्ठों को पलट रहे हैं। वे संसार क्लांत मालूम पड़े। अचानक उनके मन में भारत लौट जाने की प्रबल इच्छा जागी। वहां सुदूर हिमालय के आश्रम में उनके घनिष्ठ मित्र और शिष्य श्री सेवियर ने कार्य करते हुए शहीद के समान अपना शरीर छोड़ दिया था। स्वामी जी को मानो इसका पूर्वाभास हो गया था। वे भारत लौटने के लिए बेचैन हो उठे। अतएव बिना एक दिन का भी विलंब किए उन्होंने पहला जहाज पकड़ा और अकेले ही दिसंबर सन 1900 के आरंभ में अपनी मातृभूमि वापस आ गए। अपने बीच अपने नेता को अप्रत्याशित रूप से पाकर स्वामी जी के गुरु भाइयों की आनंद की सीमा न रही। पश्चिम में अपनी इस यात्रा के संस्मरण बताते हुए स्वामी जी ने कहा कि वे अपनी पहली यात्रा में अमरीका और यूरोप के प्रतीयमान प्रजातंत्र तथा वहां की शक्ति और संगठन के दिखावे में फंस गए थे, पर अब की बार उन्होंने धन और काम की घोर लिप्सा एवं उससे उत्पन्न भयानक राग द्वेष को तथा अधिकार के लिए विकट संघर्ष को देखा। भौतिक चमक दमक अब उन्हें नहीं चल सकती थी। उन्होंने छिपी हुई त्रासदी को देखा, बलपूर्वक शक्तिशय से उत्पन्न घोर शिथिलता को देखा और हंसी के मुखौटे के भीतर गहरे दुख को देखा। उन्होंने निवेदिता से कहा, पश्चिम का सामाजिक जीवन एक कह कहे के समान है, पर उसके पीछे है रुदन, वो क्रंदन में समाप्त होता है। हास्य विनोद केवल सतही है, यथार्थ में वो तो तीव्र पीड़ा की टीस से भरा हुआ है। यहां भारत में उदासी और खिन्नता ऊपर में दिखाई देती है, पर भीतर है निश्चिंतता और प्रफुल्लता। अंतिम झलकियां। भारत लौटकर स्वामी जी ने कोई कार्य हाथ में लेने से पहले मायावती के अद्वैत आश्रम में पहुंचकर श्रीमती सेवियर से भेंट करने का निश्चय किया। बेलूड़ मठ पहुंचने पर उनके उस पूर्वाभास की पुष्टि हो गई जो कि उनके प्रिय शिष्य श्री सेवियर की मृत्यु के बारे में थी। ये दुखद घटना 28 अक्टूबर सन 1900 को घटी थी। बेलूड़ में विश्राम के लिए बिना रुके स्वामी जी ने मायावती तार भेजा कि वे वहां पहुंच रहे हैं। वे 3 जनवरी 1901 को मायावती पहुंचे। श्रीमती सेवियर से फिर से मिलकर उनमें हर्ष और शोक दोनों भाव उत्थित हुए। ये देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि वहां का कार्य पूरा हो गया है। आश्रम पहाड़ की ढलान पर बसा था और उसकी शोभा वर्णातीत थी, पर स्वामी जी केवल एक पखवाड़ा ही वहां रह सके। दमे ने उन पर आक्रमण कर दिया। अतः जनवरी 24 को वे फिर से बेलूड़ मठ लौट आए। उन्होंने अपनी माता के साथ पूर्वी बंगाल और असम के तीर्थों की तथा ढाका और शिलोंग की यात्रा की, वहां से थक कर लौटे। 1902 के आरंभ में वे चंद दिनों के लिए वाराणसी गए। उनके जीवन की महायात्रा का अंत अब समीप ही था। पूर्वी बंगाल और असम की अपनी इस अंतिम यात्रा से लौटने के बाद स्वामी जी का स्वास्थ्य टूट गया था। मठ के सन्यासी बड़े चिंतित हुए। वे उन पर पूरा विश्राम लेने के लिए जोर डालने लगे। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक लोगों से मिलने जुलने का विचार बिल्कुल छोड़ दें।
पर जैसा उनका स्वभाव था वे उन सबसे भेंट करते रहे जो बड़ी संख्या में भारत के सभी भागों से उनका आशीर्वाद और उनसे निर्देश प्राप्त करने इन दिनों बेलूड़ मठ आ रहे थे। मठ में उनका जीवन सहज था, वहां समाज की एक रस्ता और उसकी उबा देने वाली औपचारिकताएं नहीं थी। वे एक मुक्त सन्यासी थे, वे स्वच्छंद रूप से नंगे पैर विचरण करते अथवा कभी पैरों में चट्टियां पहनकर और हाथ में डंडा लेकर टहलने लगते, मानो उल्लास और विनोद से भरे एक बालक हों। यहां समाज के विधान के अनुसार वेशभूषा धारण करने की आवश्यकता से वे मुक्त थे। वे यहां एक कौपीन पहनकर अथवा बदन पर गेरुआ कपड़ा लपेटकर मठ के मौन और निर्जन साम्राज्य में अपने ही संसार में अपने ढंग से रह सकते थे। बहुधा वे मठ के बगीचे में काम करने चले जाते अथवा पाकशाला में प्रयोग करने लगते या फिर अपने पालतू पशुओं के साथ खेलते रहते। इन पशुओं में बाघा उनका कुत्ता था, हंसी उनकी बकरी थी, मटरू उनका मेमना था, फिर एक हिरन था, एक सारस था, कुछ गायें थीं, आदि आदि। ऐसे समय उनको देखकर कौन भला पहचान पाता कि ये ही विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद हैं। दूसरे समय वे मठ के सदस्यों को उनकी कठिनाइयों में निर्देश देते अथवा उनकी सहायता करते और उनकी ये क्रियाएं सदैव अत्यंत सहृदयता से भरी होती। अपने अंतिम दिन तक वे प्रायः नवागंतुक साधकों को ध्यान की प्रणाली सिखाने के लिए वेदांत पर कक्षाएं लेते। कार्यकर्ताओं को अपने में प्रबल आत्मविश्वास जगाने की प्रेरणा देते, अनुशासन और स्वच्छता पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते तथा सप्ताह भर के लिए दैनिक कार्यक्रम बनाकर उसके नियमित रूप से पालन करने पर पूरी चौकसी रखते। स्वामी जी की सजग दृष्टि से किसी प्रकार की असावधानी बच न सकती थी। अपने चारों ओर वे सर्वदा एक सौम्य शांति और पावित्र्य का वातावरण बनाकर रखते। वे एक दुर्निवार चुंबक के समान थे और आश्रम के सदस्य गण मानो उनकी तरफ खींचने वाले लौह कण सदृश थे, जो बहुत बार नहीं समझ पाते थे कि वे लोग क्यों स्वामी जी को इतना प्यार करते हैं। इस महान आचार्य का प्रत्येक शब्द जीवनी शक्ति और ओज से भरा होता था तथा सुनने वालों पर प्रबल प्रभाव डालता। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ सन्यासी और ब्रह्मचारी पूजा के लिए मंदिर में जा रहे हैं। उन्होंने उन लोगों से कहा, तुम ब्रह्म को खोजने कहां जाओगे? वो सभी जीवों में व्याप्त है। यहां, अरे यहीं ब्रह्म प्रत्यक्ष विद्यमान है। उन्हें धिक्कार है जो प्रत्यक्ष ब्रह्म की उपेक्षा कर अपने मन को दूसरी चीजों में लगाते हैं। देखो, ब्रह्म यही है, करामलवत तुम्हारे सामने है। उनकी वाणी इतनी ओजस्वी थी कि सभी ने अपने भीतर एक अमिट शांति का अनुभव किया और लगभग 15 मिनट उसी स्थान पर खड़े रहे। वो दृश्य अविस्मरणीय था। मठ के सभी लोग अपने इस परम प्रिय नेता की अद्भुत शक्ति को देखकर अचरज में पड़ गए, जो एक ही शब्द से सभी के मन को चरम बोध की ऊंचाई तक उठा ले जा सकते थे। सन 1901 ईस्वी के उत्तरार्ध में कुछ सांथाल श्रमिक मठ में काम किया करते थे। एक दिन स्वामी जी ने उन सबको एक सुंदर भोज देकर परितृप्त किया और कहा, तुम लोग नारायण हो, आज मैंने साक्षात नारायण की ही सेवा की है। फिर अपने शिष्यों की ओर मुड़कर वे बोले, देखो ये गरीब अनपढ़ लोग कितने सीधे साधे हैं, क्या तुम लोग इनके दुखों का थोड़ा सा भी निवारण कर सकोगे? यदि नहीं तो हमारे गेरुए पहनने से क्या लाभ? जब हमारे देशवासियों के पास पेट भरने को अनाज नहीं, न तन ढकने को कपड़ा है, तो हम अपने मुंह में भोजन का कौर कैसे रख सकते हैं? हम अपनी विद्वता और शास्त्रों के अध्ययन के सारे गर्व को दूर फेंक दें, अपने लिए मुक्ति पाने की सारी साधनाओं को त्याग दें और गांव गांव जाकर इन दरिद्रों की सेवा में अपने जीवन को लगा दें। हम अपने चरित्र, अपनी आध्यात्मिकता और अपने तितिक्षापूर्ण जीवन के बल पर धनी मनुष्यों को समझा दें
कि गरीब जनता के प्रति उनके कर्तव्य क्या हैं और दरिद्रों और पीड़ितों की सेवा के लिए उनसे धन और आवश्यक सामग्री प्राप्त करें। अहो खेद खेद, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति नीच निर्धन और दुखियों के लिए नहीं सोचता। अरे यही तो राष्ट्र की रीढ़ है, इन्हीं के श्रम से अन्न उत्पन्न होता है। ये यदि एक दिन हड़ताल कर दें तो नगर में गुहार मच जाती है, पर हमारे देश में ऐसा कौन है जो इनसे सहानुभूति रखता हो, जो इनके सुख दुख का भागी होता हो। जब तक ये उन्नत नहीं होंगे, भारत माता कभी नहीं जागेगी। मैं सूर्य के प्रकाश की तरह यह स्पष्ट देख रहा हूं कि जो ब्रह्म जो शक्ति मुझ में है वही इनमें भी। बस अभिव्यक्ति की मात्रा भर में थोड़ा अंतर है, इतना ही। संसार के समग्र इतिहास में क्या तुमने किसी देश को उठते हुए देखा है? जब तक कि उसके समूचे शरीर में राष्ट्रीय रक्त का समान रूप से संचार नहीं हुआ, यह निश्चित रूप से जान लो कि उस शरीर के द्वारा कोई भी महान कार्य नहीं सध सकता जिसका एक अंग पक्षाघात से पीड़ित हो। इतनी तपस्या के बाद मैंने सर्वोच्च सत्य को जाना है, और वो ये है कि वो परमेश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है। ये सब उसी के नाना विध रूप हैं। इसको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं जिसकी कि हम खोज करें। वास्तव में वही परमेश्वर की उपासना करता है जो सब जीवों की सेवा करता है। मठ में दिन यूं ही बीतने लगे मानो घंटे हों। स्वामी जी जिस किसी मनः स्थिति में क्यों ना रहते हों, उनकी उपस्थिति मात्र ही उनके गुरु भाइयों और शिष्यों के लिए आनंद और प्रेरणा का सतत स्रोत थी। चाहे वे अधीर हों, चाहे डांट रहे हों, चाहे वे गुरु अथवा ध्यानस्थ ऋषि हों, चाहे वे विनोद से भरे हों या गंभीर हों, अपने गुरु भाइयों के लिए वे सदैव ही प्रिय नरेंद्र थे और शिष्यों के लिए आनंदी और अनुपम गुरु। जब मठ में ध्यान और साधनाओं का क्रम पूरे वेग से चलता होता तो स्वामी जी बड़े ही आनंदित होते। जब उनका स्वास्थ्य साथ देता तो वे पूजा घर में प्रातः ध्यान में सम्मिलित होते। ध्यान कक्ष में उनकी उपस्थिति उनके साथ बैठने वाले लोगों के ध्यान को अनिवार्य रूप से अधिक शक्ति संपन्न और तीव्र बना देती। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद स्वामी जी अपने मित्रों और भेंट करने वालों से मिलने तथा अपने शिष्यों को उपदेश देने अंतिम दिन तक उत्सुक रहे। सब कुछ का त्याग कर देना चाहिए, यहां तक कि शरीर का भी। जब कभी उन्हें पता लगता कि कुछ निष्ठावान जिज्ञासुओं को साधुओं ने उनके पास आने से रोक दिया है तो वे अत्यंत करुणा से विगलित हो कह उठते, देखो क्या हमारे गुरुदेव ने अपनी अंतिम सांस तक उपदेश नहीं दिया, और मुझे भी क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? मैं इस शरीर के जाने की तनिक भी परवाह नहीं करता। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि जब मैं सत्य के सच्चे जिज्ञासुओं को अपने पास आते देखता हूं तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। अपने इन भाइयों में आत्मा को जगा देने के कार्य में मैं बारंबार प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करूंगा। पर कभी कभी बातचीत के दौरान उनका चेहरा कुछ स्वप्निल सा हो उठता, मानो वे दूर कहीं खो गए हों। तब सब लोग जान लेते कि वे अपने विचारों में अकेले ही रहना चाहते हैं और वे वहां से उठकर चले जाते। महासमाधि। इस पृथ्वी तल पर स्वामी जी के अंतिम 2 महीने उनकी महासमाधि का आभास देने वाली घटनाओं से भरे हुए थे, भले ही कई बार उनके पास रहने वाले लोग ये ना समझ पाते रहे हों। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों स्वामी जी मठ संचालन हेतु निर्देश आदि देने के कार्यों से अपने आप को खींच लेने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। वे कहते, कितनी ही बार व्यक्ति अपने शिष्यों के साथ सदैव रहकर उनकी प्रगति रोक देता है। जब कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाएं, तो यह आवश्यक है कि नेता उनको छोड़ दे, क्योंकि बिना उसकी अनुपस्थिति के वे अपना विकास नहीं कर पाते।
कार्य के एवं अन्य सब प्रकार के बंधन कटते जा रहे थे। अब तो उन्होंने अपने आप को बाहर की सब प्रकार की चिंताओं से अलग कर लिया था। अब ध्यान पर ही उनका सारा लगाव केंद्रित हो गया। उनके गुरु भाई और शिष्यगण उन्हें इस प्रकार निर्लेपता और ध्यान के वातावरण में चले जाते देख आशंकित हो उठे। श्री रामकृष्ण ने जो भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र अपने कार्य की समाप्ति पर निर्विकल्प समाधि में मग्न हो जाएगा, उसकी स्मृति इन लोगों को अनवरत पीड़ित करने लगी। ऐसा लगता था कि स्वामी जी शरीर के इस भार को दूर फेंक देने के लिए कोई निश्चित तिथि ढूंढ रहे हैं। वो शुक्रवार का दिन था, 4 जुलाई सन 1902। उस दिन वे पूजा घर में प्रातःकाल गए और खिड़कियों एवं दरवाजों को अंदर से बंद कर उन्होंने 3 घंटे ध्यान में बिताए। तत्पश्चात वे जगन माता का एक भावपूर्ण भजन गाने लगे। नीचे सन्यासीगण पूजा गृह से आने वाली इस सुमधुर स्वर लहरी को सुनकर मुग्ध हो गए। पूजा घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद स्वामी जी मठ के आंगन में चहलकदमी करने लगे। उनका मन अंतर्मुखी था। उन्हें अपने आप से अस्फुट स्वर में यह कहते सुना गया, यदि कोई दूसरा विवेकानंद होता तो समझ पाता कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। फिर भी कालांतर में जाने कितने विवेकानंद जन्म ग्रहण करेंगे। एक गुरु भाई जिन्होंने स्वामी जी के अनजाने में ये शब्द सुने थे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि स्वामी जी ने कभी भी ऐसी बातें नहीं कही थीं। दोपहर में वे सबके साथ भोजन कक्ष में भोजन करने चले गए। इन दिनों वे ऐसा नहीं किया करते थे। भोजन के पश्चात उन्होंने लगभग 3 घंटे तक अपने शिष्यों को संस्कृत पढ़ाई। अपराह्न में वे अपने एक गुरु भाई के साथ टहलने लगे और उनके पास मठ में एक वैदिक कॉलेज स्थापित करने की अपनी विशेष इच्छा व्यक्त की। संध्या के समय पूजा घर में जब आरती का घंटा बजने लगा तो वे अपने कमरे में गए और लगभग 1 घंटे तक ध्यान में निमग्न रहे। फिर वे बिस्तर पर लेट गए। जप माला अब भी उनके हाथ में थी। 1 घंटे पश्चात उन्होंने करवट बदली और जोरों की सांस ली। फिर से उन्होंने इसी तरह एक दीर्घ और गहरा निश्वास लिया और फिर सब कुछ शांत और निस्तब्ध हो गया। थका शिशु मां की गोद में सो गया। अब वहां से इस माया के संसार में फिर से जागने की कोई बात न थी। स्वामी जी की उम्र तब 39 वर्ष और कुछ महीने की थी। इस प्रकार उन्होंने वो भविष्यवाणी भी सार्थक कर दी जो बहुत बार उनके होठों पर रहती, मैं अपने 40 वर्ष पूरा देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। पर आज जब हम ये देखते हैं कि ज्यों ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं, विश्व के दोनों गोलार्धों में कैसे उनके शिष्य भक्तों और प्रशंसकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, कैसे वे संसार भर में सर्वत्र सहस्र सहस्र लोगों को चुपचाप प्रभावित करते जा रहे हैं, कैसे उनका ओजस्वी संदेश उनकी अपनी मातृभूमि में शत शत आंदोलनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्नयन के कार्य हेतु अनुप्राणित कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने इतनी चिंता की थी और कठोर परिश्रम किया था। तब उनकी अपनी मृत्यु से बहुत पहले कहे गए ये शब्द हमें स्मरण होने लगते हैं, हो सकता है कि अपने शरीर से बाहर आ जाना और उसे फटे कपड़े की तरह त्याग देना मेरे लिए श्रेयस्कर हो, पर मैं कार्य करना बंद न करूंगा। मैं सर्वत्र लोगों को प्रेरणा देता रहूंगा जब तक कि संसार यह न जान ले कि वह ईश्वर से अभिन्न है।